आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 महीने से बंद वैष्णो देवी के दरबार को रविवार के दिन से भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन भक्तों को किस तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए वैष्णो देवी जाना होगा ये हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च से ही वैष्णो देवी की यात्रा को बंद कर दिया गया था और रविवार सुबह से ही जम्मू कश्मीर के ज्यादातर श्रद्धालु जो हैं वो माता वैष्णो की यात्रा करते हुए देखे गए। 5 महीने के बाद को लेकर भक्त जो थे वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। श्रद्धालुओं ने यात्रा को फिर से शुरू करने पर खुशी जाहिर की और उम्मीद जताई कि माता वैष्णो जो है वो जल्द ही कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर करेगी। वहीं अब आपको गाइडलाइंस बता देते हैं, तो वैष्णो देवी की यात्रा जो कि 16 अगस्त से दोबारा शुरू की गई है, लेकिन इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दरअसल हर दिन केवल ज़्यादा से ज़्यादा 2000 यात्रियों को ही अनुमति दी जाएगी। इनमें जम्मू कश्मीर से बाहर से अधिकतम 100 यात्री ही होंगे। केवल भवन कॉम्प्लेक्स में एक बार में यात्री, स्टाफ, सुरक्षा कर्मी को मिलाकर सिर्फ 600 लोग ही रह सकते हैं। यात्रियों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन और बाहर के सभी राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। सभी श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना जरूरी है। पवित्र गुफा में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। वहीं 7 साल से ऊपर के लोगों, प्रेग्नेंट महिलाओं और 10 साल से नीचे के बच्चों को न आने की सलाह दी गई है। तो अब आप सभी इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर वैष्णो देवी माता के दर्शन जाने का तो आप सभी इन्हीं दिशा निर्देशों का माँ वैष्णो के दरबार जाएं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आर्थिक रिपोर्ट।